अगर व्यक्ति इस पर थोड़ा ध्यान दे तो वो पाएगा कि हमारा मस्तिष्क अपार क्षमताओं से युक्त है, साथ ही साथ ये बड़ा पेचीदा भी है। अगर आपके साथ बाहरी स्तर पर कुछ घटित हो जाता है, कोई आपका नुकसान हो जाता है, कोई स्थिति ऐसी बन जाती है जो विपरीत है आपके, तो आप बहुत ज़्यादा दिनों तक उससे प्रभावित नहीं रहेंगे। लेकिन अगर कोई एक विचार आपके मस्तिष्क में बैठ जाता है, तो हमने कितने ही व्यक्तियों को देखा है जिनके जीवन में सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बेहतर है, लेकिन एक विचार उन्हें ऐसे पकड़े हुए है, ऐसे परेशान कर रहा है कि उस विचार के कारण, उस नकारात्मकता के कारण वो अपने जीवन को ठीक प्रकार से आनंद के साथ जी नहीं पा रहे हैं। तो इन विचारों के प्रति सजग होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी एक विषय जो आपको आज परेशान कर रहा है, उसके विषय में आपको पूर्ण समझ होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि जीवन से नकारात्मकताओं को कैसे हटा सकते हैं। हमें अनेक ऐसे प्रश्न मिल रहे थे कि हमारे मस्तिष्क में अधिकतर नकारात्मक विचार ही क्यों आते हैं और इन नकारात्मकताओं से हम कैसे उभर सकते हैं, इसी विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो एकाग्रता के साथ इस विषय को समझें, सभी के लिए ये उपयोगी है। इस विषय को हम एक दृष्टांत से समझने का प्रयास करते हैं। एक बार एक गुरु जो कि बहुत सारे शिष्यों को धनुर्विद्या का प्रशिक्षण देते थे, उनके शिष्यों में कुछ गरीब शिष्य भी होते थे, कुछ मध्यम वर्गीय भी होते थे और कुछ राजाओं के जो पुत्र होते थे, बहुत धनी होते थे, वो सब होते थे। लेकिन उनके अंदर ये एक विकार था कि वो अधिक प्राथमिकता राजाओं के पुत्रों को ही देते थे। और एक बार एक बहुत घनिष्ठ उनके जिन राजा से संबंध थे, उनके पुत्र उनके पास आए हुए थे और उन गुरु का मनोरथ ये था कि मैं इनको ही सर्वश्रेष्ठ बनाऊं अपने शिष्यों में, इस वजह से वो उन्हीं के ऊपर अधिक ध्यान देते थे। लेकिन एक शिष्य ऐसा था जो कि कम ध्यान देने के बावजूद धनुर्विद्या में पारंगत हो गया, बहुत अच्छा हो गया। कुछ समय के बाद जब एक परीक्षा हुई कि कौन कैसा प्रदर्शन करता है, तो गुरु को पूर्ण विश्वास था कि राजा के पुत्र ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन हुआ इसके विपरीत, और सबसे अच्छा प्रदर्शन जो किया वो उस एक गरीब बच्चे ने किया, जिसकी तरफ अधिक ध्यान भी नहीं दिया गया था। ये देख करके गुरु निराश हो जाते हैं और वो उस बच्चे को हतोत्साहित करना शुरू कर देते हैं, छोटी छोटी सी बातों पे उसे ये कहना कि तुम ये नहीं कर सकते, उसके सामने कुछ ऐसी परीक्षाएं रख देना जिनमें वो उत्तीर्ण होने में सफल नहीं था, उस स्तर पर उसकी अभी तक योग्यता नहीं गई थी, बार बार उसे नीचा दिखाना और उसके मन में ये बात बैठाने के लिए पूर्ण प्रयत्न करना कि तुम अच्छे धनुर्विद्या में नहीं हो, तुम पारंगत नहीं हो। धीरे धीरे करते 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 गुरु ने उस शिष्य को इतना हतोत्साहित कर दिया कि फिर वो भी यही समझने लगा कि हाँ, मैं अच्छा नहीं हूं धनुर्विद्या में और मैं एक अच्छा धनुर्धर कभी बन नहीं सकता। वो उस गुरुकुल से, उस विद्यालय से बाहर निकलता है, लेकिन उसके मन में अभी भी एक ये विचार बैठा हुआ है कि मैं अच्छा धनुर्धर नहीं बन सकता। और जब भी कोई प्रतियोगिता होती, कोई एक ऐसा परीक्षा का समय होता, तो वो वास्तव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता था। यद्यपि वो अपार योग्यताओं का धनी था, लेकिन प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पाता था, क्योंकि एक नकारात्मकता उसके मन में बैठी हुई थी कि मैं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकता। वो तिरस्कृत हो जाता है, हतोत्साहित हो जाता है, भगवान के सामने जाकर के वो प्रार्थना करता है कि हे भगवान, इस जीवन का कोई अर्थ नहीं, या तो मुझे कुछ योग्यता दें, मुझे मेरी योग्यता से अवगत कराएं, या फिर इस जीवन को ही समाप्त कर दें। एक दिन संयोग ईश्वर की कृपा से ऐसा बनता है कि उसकी माता अपनी कुटी में थी, वो कुछ कार्य कर रही थी और वहां पर भेड़ियों का हमला हो जाता है उनके उस कुटी पर, उनके उस घर पर। वो देखता है कि बहुत सारे भेड़िए आ रहे हैं, तो वो कुछ सोचता नहीं है। फिर वो जो नकारात्मकता थी उसके मन में, जो उसे प्रेरित करती थी कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम अच्छा धनुर्धर नहीं बन सकते, वो उसे याद नहीं आती और एक ही बाण से कई कई भेड़ियों को घायल कर देता है। लेकिन भेड़िए आते ही रहते हैं, वो झुंड में थे, तो वो इस प्रकार की एक अभेद्य दीवार बना देता है अपनी उस कुटी के चारों ओर, जिसे लांघना किसी के भी वश की बात नहीं थी। जब वो अपने इस प्रदर्शन को अपने आप ही बाद में देखता है, इसकी तरफ ध्यान देता है, तो वो पाता है कि जो उसने किया वो तो बड़े बड़े धनुर्धरों के वश की बात नहीं है,
ये तो बड़ा ही एक कठिन कार्य था और ये बड़ा ही कोई पारंगत जो धनुर्विद्या में व्यक्ति हो वही कर सकता था। तो उसकी बुद्धि में अब कुछ बदलाव होने, उसके मस्तिष्क में अब कुछ बदलाव होने शुरू होते हैं, क्योंकि वो सामने देख सकता था कि जो मैंने किया वो कोई सामान्य व्यक्ति कर नहीं सकता, ये मैंने किया है तो कुछ ना कुछ मेरे अंदर है। तो ईश्वर की तरफ से ही एक संकेत हुआ था, वो भेड़िए वहां पर आए और इस प्रकार की उसकी मनोदशा बनी और उस मनोदशा के बाद उसके मन में एक दृढ़ विश्वास हो गया कि नहीं, जो मेरी अवधारणा है, जो मेरे गुरु का कथन था वो ठीक नहीं था, वास्तव में मैं योग्य हूं और मैं इस क्षेत्र में कुछ बेहतर कर सकता हूं। और वो धीरे 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 करके अपनी योग्यताओं को विकसित करके पुनः एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित करता है, उसका पूरे देश में नाम हो जाता है। अब ये जो एक सीख है ये हमने देखी, ये दृष्टांत हमने देखा और इस दृष्टांत के आधार पर दो प्रश्न हमारे सामने आते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है कि नकारात्मकता का कारण क्या है, दूसरा आता है कि इससे बाहर निकलने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है। और इन दो सिद्धांतों को आप ठीक प्रकार से समझ लें। सबसे पहला सिद्धांत कि नकारात्मकता का कारण क्या है, इसके विषय में आप समझें। एक व्यक्ति है जो कि बड़ा ही सकारात्मक है, एक व्यक्ति है जो कि सदा नकारात्मक सा रहता है। अब दोनों व्यक्तियों के जीवन में कोई एक घटना घटित होती है जो कि घटना अप्रिय है, जो कि घटना उन्हें हताश निराश करने वाली है। घटना घटित हुई और वो घटना दोनों के साथ एक जैसी एक समय पर घटित हुई, लेकिन जो पहले से नकारात्मक रहता था वो अब इससे अधिक प्रभावित होगा, जो अधिकतर सकारात्मक रहता था वो इससे बहुत कम प्रभावित होगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो नकारात्मक रहता था, जिसके मन में पहले से नकारात्मकताएं थी, उसके जीवन में जब कोई एक नई नकारात्मक घटना घटित होती है तो जो उसके मन में पहले से नेगेटिव थॉट्स हैं वो उस नए विचार को भी उन पुराने विचारों के साथ जोड़ के देखता है, एक और बड़ा स्वरूप बना लेता है उस नकारात्मकता का और निराश निराश हो जाता है। दूसरी ओर जिसके मन में पहले से बहुत सारी सकारात्मकताएं हैं, कोई नकारात्मकता उसके जीवन में आती भी है तो वो उसे रिलेट नहीं करता अपने मन की स्थितियों से, क्योंकि उसके मन की स्थिति विपरीत है, सामने है नकारात्मकता और वो है सकारात्मक, तो वो रिलेट नहीं हो पाती, वो जुड़ नहीं पाती है उसकी पूर्व की स्मृतियों से, इसलिए वो विचार वास्तविक विचार की तरह उसे लगता है और जिसके मन में पहले से नकारात्मकताएं हैं वो उसे काल्पनिक एक ढांचा दे देता है दूसरे विचारों से जोड़ के और उसे बहुत बड़ा आकार दे देता है, जो कि हमने इस दृष्टांत से भी देखा। जब उस विद्यार्थी, उस धनुर्धर के सामने कोई परीक्षा आती थी जिसमें वो अच्छा प्रदर्शन कर सकता था तो लोग उसे कहते थे कि तुम अच्छा नहीं कर पाओगे, और उसके मन में क्योंकि पहले से ये बात बैठी हुई थी कि हाँ मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा, मेरे गुरु भी तो यही कहते थे, तो वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता था। दूसरी ओर अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं और आप ऊर्जावान है किसी कार्य को लेकर के, और कोई आपको आकर के कहता है कि आप ये कार्य नहीं कर पाएंगे, तो आप कहेंगे कि अरे आप मूर्ख हैं क्या, हम तो बिल्कुल कर पाएंगे, हमारी तो इसमें योग्यता है, हमने इसमें बड़ा परिश्रम किया है, तो आपके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो आपको नेगेटिव नकारात्मक शब्दों का आपके लिए प्रयोग कर रहा है, क्योंकि आप पहले से नकारात्मक विचारों को मस्तिष्क में नहीं रखते हैं। तो पहला सिद्धांत ये है कि जो आपको ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा नकारात्मक क्यों रहते हैं, हमें नकारात्मक विचार ही क्यों आते हैं, तो ये समझ लें कि ये सभी को नहीं आते हैं, ये अपनी अपनी अवस्थाएं हैं, और अगर आप बार बार छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के नकारात्मक हो जाते हैं और आप अपने जीवन से हताश हुए जा रहे हैं तो समझे कि आपने मस्तिष्क में बहुत सारी ऐसी चीज़ें इकट्ठा की हुई हैं जो आपको अब जकड़े हुए हैं, जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। अब दूसरा जो हमारा सिद्धांत है कि इससे बाहर कैसे आया जा सकता है, ये अति महत्वपूर्ण है, इसको समझें। और इसे समझने के लिए आपको दो अलग अलग बिंदुओं की तरफ ध्यान देना होगा जिससे हमारा जीवन संचालित होता है, और ये हैं, पहला है मन और दूसरा है बुद्धि। इन दोनों के आधार पर ही आपके सभी कार्य संचालित होते हैं। मन भाव प्रधान होता है और बुद्धि तर्क प्रधान होती है। बुद्धि लॉजिक्स पर, नॉलेज पर, ज्ञान पर कार्य करती है और मन कार्य करता है जहां सुख मिल रहा है, जहां ठीक लग रहा है, कुछ अच्छी अनुभूति हो रही है, उसकी तरफ जाएगा। लेकिन ये भी बात आप समझ लें कि हमेशा
मन पर बुद्धि का नियंत्रण होता है अगर बुद्धि ठीक प्रकार से कार्य कर रही है तो बुद्धि को दिशा देनी है, बुद्धि को ज्ञान देना है, बुद्धि को तर्क देना है और आपकी इस समस्या का निवारण हो सकता है। इसे भी मैं एक उदाहरण से बताता हूँ। एक दिन की बात है, हम बैठे हुए थे और हमारे साथ हमारे एक परिचित व्यक्ति थे। हम दोनों भोजन कर रहे थे तो कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ रोटी आती है, सब्जी आती है, दूसरी चीज़ें, और साथ में खीर आती है। तो हमने खीर को ग्रहण किया और जब हमने अपने मित्र को कहा कि आप भी ग्रहण करें खीर को, तो उसने कहा कि मेरा मन तो है कि मैं खीर खाऊं, लेकिन मुझे पता है कि खीर मुझे नुकसान देगी क्योंकि लैक्टोज की चीज़ें ये हजम नहीं होती हैं, दूध से बनी हुई चीज़ें डेयरी प्रोडक्ट हजम नहीं होते हैं। तो यानी कि यहाँ पर उनके शब्दों पर आपको ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि मन तो है कि मैं खीर खाऊं, लेकिन मैं नहीं खा सकता क्योंकि मुझे पता है कि ये मुझे नुकसान देगी। तो यहां पर मन कह रहा है कि आप इसे खा लें, लेकिन बुद्धि का उसके ऊपर एक अंकुश लगा कि मुझे पता है कि तुम खा तो लोगे लेकिन तुम्हें ये करेगा नुकसान ही। अब वो व्यक्ति उस चीज को नहीं खाएगा क्योंकि उसे स्पष्ट पता है कि ये हानिकारक है। तो जब बुद्धि में कोई एक बात स्पष्ट हो जाती है, क्लियर हो जाती है, आपको अच्छे से उस बात का पता है, तो मन को उस विषय को स्वीकार करना ही पड़ता है। इस बात को आप स्पष्ट रूप से समझ लें। अब हम कहते हैं कि आप इस विषय को समझ पाएंगे। आप ये देखें कि आपके जीवन में जो भी नकारात्मकता अभी चल रही है वो अधिकतर आपके मन के तर्क के आधार पर चल रही है। मन आपको कुछ कह रहा है और आप उसको स्वीकार कर रहे हैं। मन कह रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, आप उसको स्वीकार कर रहे हैं। मन कह रहा है कि सफल होना आपका कठिन है, आप पढ़ने में अच्छे नहीं है, आपने पहले ध्यान नहीं दिया, आप बहुत देर हो चुकी है, आप उसे स्वीकार कर रहे हैं। मन कह रहा है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो सकता या फिर आपके संबंध बिगड़ गए हैं, अब वो अच्छे नहीं हो सकते, और आप उसे स्वीकार कर रहे हैं। जो व्यक्ति ऐसे भावों को निरंतर स्वीकार करता जाता है तो वो अपने मन में बहुत सारे विचारों को संग्रहित कर रहा है, और वो विचार कैसे हैं, नकारात्मक हैं। अब वो नकारात्मक विचारों का संग्रह है, बाहर से कोई एक छोटा सा नकारात्मक विचार आने के साथ उसके साथ जुड़ के एक बड़ा आकार ले लेगा, जो हमने पहले सिद्धांत में आपको कहा। तो दूसरा सिद्धांत हमारा ये कहता है कि आपके मन में जो भी नकारात्मक विचार आते हैं उनको आप बुद्धि के अंकुश के द्वारा ठीक कर सकते हैं, उनमें सुधार कर सकते हैं। तो जो भी नकारात्मकता आपके जीवन में है, अपने आप से बैठ के तर्क संगत प्रश्न करना होगा कि क्या ये स्थिति जैसी मैं देख रहा हूं वैसी है। अगर सफलता को लेकर के बात है तो आप अपने आप से प्रश्न करें कि क्या इस संसार में कितने ही लोग ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने 40 वर्ष 50 वर्ष के बाद भी बहुत सारी मेहनत की और बहुत सारी सफलताओं को अर्जित किया। आपका बुद्धि कहेगी कि हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। क्या ऐसे लोग नहीं होंगे जिन्होंने बहुत लंबी बीमारी के बाद भी अपने आप को ठीक कर लिया और वो आज बहुत ऊर्जा के साथ जीवन जी रहे हैं। आपकी बुद्धि कहेगी कि ऐसे तो बहुत सारे लोग होंगे और ऐसा कोई विषय नहीं है कि हम ठीक नहीं हो सकते। आप अपने आप से प्रश्न करें कि क्या संबंधों को ठीक नहीं किया जा सकता। आपकी बुद्धि आपको बताएगी कि विनम्रता से दूसरे व्यक्ति को समझ के और कुछ विवेक रख के संबंधों में इनको ठीक किया जा सकता है। तो आप ये दृढ़ता से समझ लें कि जो व्यक्ति अपने आप से प्रश्न करता है, यूं ही किसी भी विचार को स्वतंत्र रूप से अपने अंदर ग्रहण नहीं करता जाता है, वो हर एक बुरे विचार से बाहर आ सकता है, हर एक नकारात्मकता से बाहर आ सकता है जो अपने मन पर अपनी बुद्धि का अंकुश रखता है और अपने आप से तार्किक प्रश्न करता है। अन्यथा कोई दूसरा मार्ग नहीं है, ये मन की अवस्थाएं हैं, ये विचार से, विवेक से और बोध से ठीक होती हैं। ये ऐसा नहीं कि औषधि ले लेंगे, या ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति का कोई एक शब्द आपको प्रभावित कर देगा। प्रभाव हो सकता है लेकिन कुछ समय तक होगा, लेकिन जब आपके मन की अवस्थाओं को आपकी बुद्धि ने देख लिया, परख लिया और उन पर कार्य करके आपने अपने आप को संतुष्ट कर दिया, संतुष्ट होना जरूरी है कि हाँ, मेरी स्थिति आज जो भी है लेकिन इसमें ठीक करने के, इसको इसमें सुधार करने के अपार अवसर विद्यमान है। अगर आपने ये स्वीकार कर लिया तो आपकी हर एक समस्या का समाधान तुरंत होगा। फिर समय नहीं लगेगा, शरीर को ठीक होने में समय लगता है, लेकिन जब मन ठीक होता है तो वो तुरंत हो जाता है। बस ऐसा ही आप करें
और इस तरफ आप ध्यान दें, इस मन की चाल को, इस मन के स्वभाव को जिसने समझ लिया वो अपने जीवन में हर एक लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है और जीवन में आनंद से भी जीता है वो व्यक्ति। अपेक्षा है आपको आज का ये मार्गदर्शन समझ आया होगा। अगर कोई संशय है तो कमेंट के माध्यम से रखें, हम कमेंट्स को पढ़ेंगे और भविष्य में आपके संशयों के आधार पर मार्गदर्शन करने का प्रयत्न करेंगे। आज के लिए यही विशेष मार्गदर्शन आपके लिए था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।